नमस्कार, मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर बिहार, NIOS के DL.ED कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पाठ्यक्रम 503 ब्लॉक 1 इकाई 1 अर्थात भाषा के सामाजिक आयाम विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं प्रोफेसर निरंजन सहाय। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में निरंजन सहाय जी। निरंजन सहाय जी हिंदी विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर हैं और भाषा संबंधी कई कार्यों में आप लगातार काम करते रहे हैं, विशेष करके भाषा और शिक्षा को लेकर आपने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। आज का जो विषय है भाषा के सामाजिक आयाम, वास्तव में एक सामान्य सी समझ यह बनी हुई है कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन भाषा से क्या सिर्फ अभिव्यक्ति का साधन है, क्या भाषा सिर्फ परीक्षा पास करने या व्याकरण का पर्याय है, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ निरंजन सहाय जी से कि वे भाषा के सामाजिक आयाम, भाषा के सामाजिक संदर्भों को हमारे प्रशिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर निरंजन सहाय जी, धन्यवाद। ज्ञानदेव जी, असल में भाषा के बारे में जो हमारी समझ है वह बेहद सीमित है। आम तौर पर हम लोग मानते हैं कि भाषा बातचीत का केवल साधन है, या ऐसा मानते हैं कि शब्दकोश और व्याकरण का योग है भाषा। बिल्कुल, असल में भाषा के बारे में उल्लिखित दोनों समझ का दायरा बेहद सीमित है। इन दोनों परिभाषाओं की सीमा यह है कि इनमें मान लिया जाता है कि भाषा पहले है और मनुष्य बाद में। भाषा की परिभाषा में यह समझने के लिए कि भाषा वास्तव में क्या होती है, हमें इंसान, उसके दिमाग और समाज के बारे में एक साथ सोचना होगा। भाषा एक इंसान की पहचान होती है, इसे और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें। मशहूर भाषा वैज्ञानिक डेविड क्रिस्टल हैं, वे कहते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे सवालों के उत्तर हमारे बोलने के ढंग में छिपे होते हैं। जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, सुनने वाले को बिना ज़्यादा सोचे विचारे, बिना चाहे, अपने बारे में कई बातों की झलक दे देते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा हमारी पहचान का निशान होती है। तो भाषा एक सामाजिक आईना भी है, हम कह सकते हैं जी। क्या ऐसा है कि भाषा सामाजिक आईना है? जी, भाषा अपनी संरचना में उन सब रिश्तों को भी दिखाती है जिसके सहारे एक समाज बना होता है। वास्तव में भाषा और समाज में एक खास रिश्ता है। भाषा वह माध्यम है जो छोटे बड़े और तथाकथित ऊंच नीच के रिश्तों को सदियों तक बनाए रखती है। भाषा किसी समाज की अनेक उपलब्धियों, संघर्षों और लक्ष्यों को प्रकट करती है। इस अर्थ में वह सामाजिक यात्रा का आईना है। तो भाषा में वर्चस्व और प्रतिरोध का क्या रिश्ता है? क्या कोई रिश्ता है वर्चस्व और प्रतिरोध का भी भाषा के दायरे में? जी ज्ञानदेव जी, भाषा के बारे में जब भी हम बातचीत करते हैं तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी समाज में, किसी देश में मनुष्यों द्वारा बरती जाती है। तो इतिहास के साथ, संघर्ष के साथ, सपनों के साथ उसका रिश्ता होता है। अब समाज में जब बहुत भेद है, असमानताएं हैं, और उन असमानताओं को विभिन्न सामाजिक समूह सायास तौर पर या प्रयत्नपूर्वक बनाए भी रखते हैं, तो वर्चस्व होगा। तो जाहिर सी बात है, वर्चस्व के साथ साथ प्रतिरोध की झलक भी हमें दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी। तो भाषा में वर्चस्व और प्रतिरोध के स्वर साथ साथ चलते रहे। जी जी, समाज कोई सजातीय समूह नहीं है, इसलिए भाषा में भी सजातीयता का तत्व सर्वत्र नहीं मिलता। भाषाओं का सीखा जाना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होता है। यानी ये समाज में भाषा की जो स्थिति है, भाषाई स्थिति है समाज में, जी जी, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? समाज में भाषा का प्रयोग जो किया जाता है, आप
ध्यान से देखिए कि जब बच्चे या बच्चियां भाषा सीखते हैं या सीखती हैं, तब वे केवल भाषागत प्रवीणता को ही हासिल नहीं करती हैं या करते हैं, उनके द्वारा जाने अनजाने यह भी सीखा जाता है कि समाज में भाषा का प्रयोग कैसे करना है, व्यक्ति, स्थान और विषय के अनुसार भाषा कैसे बदलती है। यह बात बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल ठीक। वे खेल के मैदान में अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, माँ से किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं तब भाषा का अंदाज़ अलग होता है, घर में ही पिता के साथ उसके बातचीत का अंदाज़ अलग होता है, स्कूल में वह अलग तरह की भाषा का यानी संदर्भ से जुड़कर भाषा का जो प्रयोग है जी वो बच्चे सीखने लगते हैं या सीख जाते हैं। जी व्यक्ति, हाँ इसे कह सकते हैं कि व्यक्ति, स्थान और विषय के अनुसार भाषा कैसे बदलती है, यह बात बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसी तरह विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भिन्न भिन्न भाषा रूपों की भी वे समझ बना लेते हैं। एक सार्वभौम व्याकरण के रहते भी बच्चा या बच्ची वही भाषाएं सीखते हैं या सीखती हैं जो उसके परिवेश में बरती जाती हैं। वे आसपास की भाषाओं के माध्यम से अपने समाज के इतिहास, रीति रिवाज और संस्कृति को भी आत्मसात करते हैं या करती हैं। प्रत्येक भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों को हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं। आप बिहार के भोजपुरी इलाके से हैं, जैसे भोजपुरी में एक कहावत है, चलनी कहे सूप से तोरा में 77 गो छेद। राजस्थान में मैं कार्यरत रहा हूँ, वहाँ का एक मुहावरा याद आ रहा है, धरती धोरा री, धरती राधणी, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, उससे उस भाषा की यात्रा का भी हमें पता चलता है। यानी भाषा का किसी न किसी भूगोल से रिश्ता है, जैसे आपने कहा कि वो अपने परिवेश से जुड़ी होती है। जी तो क्या हम कह सकते हैं कि भाषा का भूगोल से कोई रिश्ता है? भूगोल केवल एक विषय के रूप में नहीं, विषय के रूप में तो भूगोल से रिश्ता है ही। जी भूगोल मैं कह रहा हूँ उस भूभाग से, उस जनसंख्या से जो मिलकर एक भूगोल का निर्माण करते हैं। एक विषय भूगोल नहीं, बल्कि भूगोल जो एक वृहद क्षेत्र है जहाँ रहने वाली जनसंख्या है, जहाँ कुछ लोकाचार हैं, जहाँ का लोक रंग है, जहाँ कुछ लोक उत्सव हैं, जहाँ हो सकता है कि एक से अधिक भाषाएं हैं। तो क्या आपको लगता है कि भाषा का भी कोई भूगोल होता है या भूगोल के साथ भाषा का कोई रिश्ता है? जी अब भाषाएं, खान पान, सांस्कृतिक विविधताएं या विशेषताएं, इन सब चीज़ों पर भूगोल का असर पड़ता है। जी जी परिवेश का असर पड़ता है। भाषा और भूगोल के रिश्ते को हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम राजस्थान की मरुभूमि में पानी के विभिन्न नामों के संदर्भ देख सकते हैं। वहाँ पानी की कमी है, लिहाजा पानी को लेकर बहुत संवेदनशीलता है। तो वहाँ पानी के विभिन्न संदर्भ, जैसे देखिए वहाँ एक शब्द है पालर पानी। पालर पानी उसे कहते हैं जो बरसात के दौरान इकट्ठा किया हुआ पानी है, हुआ पानी है, जैसे नदी में, तालाब में बरसात का जो पानी इकट्ठा होता है। पाताल पानी एक शब्द है जिसका मतलब होता है कुएं का पानी। एक शब्द है रेजाणी पानी, यानी धरती से नीचे पर गहरा पानी। माफ कीजिए, रेजाड़ी पानी जो है उसका मतलब है धरती से नीचे पर गहरा नहीं, वो ऊपर ही ऊपर पानी होता जी, है जी, 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 उसी तरह यदि बर्फीले क्षेत्रों में चले जाइए, पश्चिम के देश इसके उदाहरण हैं, तो वहाँ चूंकि ठंडक ज़्यादा है इसलिए बर्फ से जुड़े हुए अनुभव ज़्यादा हैं, इसलिए बर्फ को लेकर बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अब भाषाओं में, उन भाषाओं में बर्फ से संबंधित नाम हैं आइस, स्लीट, फ्रॉस्ट, स्नो, ग्लेशियर, इस तरह के अनेक शब्द मिल जाते हैं। भौगोलिक विविधता के एक अत्यंत रोचक पहलू पर भी यहाँ एक नज़र डालना मुनासिब होगा। आपने देखा होगा एक ही भाषा हर एक 15-20 किलोमीटर पर कुछ न कुछ बदल जाती है। पुरानी कहावत है कोस कोस पर भाषा बदले, चार कोस पर पानी। यह सच है कि यह अंतर वाक्य संरचना के धरातल पर न्यूनतम होता है और ध्वनि संरचना के स्तर पर सबसे अधिक। यह ध्वनि संरचना के आधार पर ही संभव है कि लोग अक्सर बता देते हैं कि आप इस गांव से नहीं उस गांव से गांव से हैं, या आप इस राज्य के नहीं उस राज्य से हैं। जी 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 उसी तरह दो भाषाओं के मिश्रित इलाकों में, उन भाषाई इलाकों में अलग अलग एक तीसरी भाषा की मौजूदगी भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, हैदराबाद जो है वो इलाका तेलुगु का है, और वहाँ चूंकि हिंदी भाषा भाषी लोग मध्यकाल में गए थे, तो वहाँ तेलुगु और हिंदी मिलकर एक विशेष तरह की हिंदी बनती है, जी, दिखाई जी, पड़ती जी, है जी।
तो ये होता है कि दो भाषाओं के मिश्रण से एक नई भाषा का जन्म भी होता है। विविध संदर्भ होते हैं जिनसे भाषा के बहुविध प्रयोग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। संदर्भों के मुताबिक एक ही भाषा के बहुविध प्रयोग किए जाते हैं। यह भाषाई दक्षता हासिल करने के आरंभिक दौर में ही शुरू हो गया था। उदाहरण के लिए खाने पीने के संदर्भ में बच्चे बच्चियों की बातचीत, स्कूल जाते समय बातचीत, खेल के मैदान में बातचीत, कंप्यूटर गायन नृत्य आदि सीखते समय की बातचीत। यह जो विविधता है भाषा की या विभिन्न संदर्भों में भाषा की जो चर्चा आप कर रहे हैं उसमें आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जेंडर का। भाषा और जेंडर को लेके बहस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत की जो भाषाएं हैं उसमें यह प्रश्न बहुत साफ साफ दिखाई देता है, या एक तरह से जेंडर को लेके जो भाषाई नज़रिया है वो बहुत साफ दिखता है। वैसे ही जैसे आपने प्रतिरोध और वर्चस्व की जब बात की थी तो ये भी कि भारत की चाहे जो भी भाषा हो उसके अलग अलग वर्गों द्वारा बरती जाने वाली भाषा में अंतर देखा जा सकता है। तो यह जो भाषा और जेंडर का जो रिश्ता है या जिस तरह का रिश्ता भी दिखाई देता है उसके बारे में भी आप हमारे प्रशिक्षुओं को कुछ बताते तो अच्छा होता। जी जी, बहुत सुंदर सवाल है। आरंभ में ही यह बातचीत हुई थी और आपने अभी जिक्र भी किया कि भाषा में वर्चस्व की प्रवृत्तियां भी नज़र आती हैं और जब वर्चस्व है तो प्रतिरोध भी है। भाषा और जेंडर का मसला भी ऐसा ही है। आप ध्यान से देखिए, कक्षाओं में हमारे अध्यापक या अध्यापिकाएं जब जाती हैं तो उनके विशेषण कौन से होते हैं? यद्यपि कक्षा में छात्र और छात्राएं दोनों हैं, फिर भी उनके विशेषण में छात्र ही होता है। या प्रार्थना सभा में या और भी स्थल पर या किसी सभा में जब हम जाते हैं या समाज के जितने भी आयाम होते हैं तो उसमें पुरुष को संबोधित किया जाता है, स्त्री को उसमें शामिल मान लिया जाता है। और कई बार हम ये जिद करते हैं कि छात्र में छात्राएं भी शामिल हैं। जी जी। और ये कहा जाए कि नहीं, छात्रा में छात्र शामिल हैं जी, तो यह हमें स्वीकार्य नहीं है। जी जी। लेकिन हम मान लेते हैं कि छात्र में छात्राएं शामिल हैं। जी जी। असल में व्याकरण निर्माण पर या व्याकरण के नियमों के निर्माण पर समाज के परिवेश का असर पड़ना स्वाभाविक है। जो आप उल्लेख कर रहे थे उसे एक श्रेष्ठ नियम कहा जाता है। तो एक श्रेष्ठ नियम यानी एक में शामिल है तो यह व्याकरण के निर्माण में इस तरह की बात नजर आती है जिसमें पुरुष वर्चस्व दिखाई पड़ता है। असल में भाषा निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव की प्रवृत्तियों का असर पड़ना स्वाभाविक है। किसी भी सभ्यता के निर्माण में हम जानते हैं स्त्री पुरुष दोनों की समान भूमिका होती है, लेकिन पुरुष वर्चस्व की भाषाई मौजूदगी बहुत आसानी से दिख जाती है। अब कुछ शब्दों को देखिए, विभिन्न भाषाओं में अनेक ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है। अंग्रेजी के उदाहरण देखिए, जैसे एक शब्द है मैन पावर यानी श्रम शक्ति। अब जानते हैं कि श्रम तो स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं, लेकिन है मैन पावर है। उसी तरह पांडुलिपि, हमारे पढ़ने लिखने की दुनिया में पांडुलिपि जो है उसके लिए जो अंग्रेजी में शब्द है मैन स्क्रिप्ट। महिला लेखिका भी जो लिख रही है तो मैन स्क्रिप्ट ही है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं। उसी तरह साहस के लिए शब्द है मैनफुली, श्रम के घंटे के लिए मैन आवर कहते हैं और प्रबंध करने को हम मैनेज कहते हैं। यानी स्त्रीलिंग प्रतिरूप है ही, चेयरमैन ही हो सकता है, चेयर वुमेन नहीं हो सकता। जी जी, जब होगा तो चेयरमैन ही। जी जी, अब चेयर पर्सन होने लगा। जी जी, पश्चिम में इसके लिए आंदोलन हुए। जी, हिंदी में भी कुछ शब्दों को देख सकते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे राष्ट्रपति है, सभापति है, कुलपति है, किसान है, आचार्य है, मर्दाना है। ये ऐसे शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग प्रतिरूप नहीं है। ये एक चर्चा हुई ही आपसे कि किस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर पुरुष वर्चस्व वाली भाषा का ही हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे गोष्ठी के समय, पाठ्य पुस्तकों में जो हमारा संबोधन होता है उसमें भी, स्कूलों में भी। जी, भाषा और वर्ग का भी कोई रिश्ता है क्या? मतलब जी जी, जो भाषा और वर्ग की बात हम करते हैं जी, क्योंकि ये झलक मिल रही है कि यदि वर्चस्व और प्रतिरोध की बात है तो वर्ग आधारित भी कुछ भाव भाषा के साथ जरूर जुड़े हुए होंगे। जी जी, तो थोड़ी चर्चा हम इस पर भी करें तो बेहतर हो कि भाषा और
वर्ग का क्या रिश्ता है। बहुत बहुत सुंदर पहलू की ओर आपने ध्यान दिलाया। असल में समाज में यदि वर्ग है तो भाषा में भी उसकी झलक मौजूदगी दिखाई पड़ेगी पड़ेगी। व्याकरण और शब्दकोश के अनुसार समान नियमों के बावजूद समाज में जारी वर्गीय भेदभाव के मुताबिक भाषा प्रयोग, साहित्य निर्माण, मिथक निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरे आदि में वर्गीय फर्क के अनुसार अंतर आ जाता है। जैसे साहित्यिक कहानियां आप सुनिए तो उसमें स्त्रियों का चित्रण किस तरह से है। मिथक जो हमारे बनाए गए हैं जी जी, उसमें स्त्रियां किस रूप में आती हैं। जो लोकोक्तियां हैं, जो मुहावरे हैं, उसमें आप हर जगह पुरुष वर्चस्व की गूंज देखते ही हैं। लेकिन चूंकि वर्ग पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए जो अभी भाषा की अधुनातन तकनीक है उसमें इस बात की बार बार ताकीद की जाती है कि जाति आधारित मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग नहीं करें। हम सभी जिन समाजों से आते हैं उनमें जाति आधारित मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। असल में यह वर्गीय चेतना का ही असर है। भाषा के सामाजिक आयाम पर अत्यंत महत्वपूर्ण काम करने वाले एक शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे, तो पाउलो फ्रेरे ने कहा है कि भाषाओं का उपयोग वर्चस्ववादी समूह के हितों की रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। यानी ऐसे साहित्य का निर्माण होगा जिसमें वर्गीय भेदभाव को बरकरार रखने की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। वर्गीय भेदभाव के कुछ व्यावहारिक रूपों को परखने के लिए आइए कुछ शब्द युग्मों को देखें। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए व्याकरण के समान नियम है। हाँ। जैसे क्रिया का उपयोग देखिए। अब चूंकि आर्थिक स्थिति एक चपरासी की और एक कुलपति की अलग है, अलग अलग वर्ग है। एक एक सम्भ्रांत तबके से आता है, दूसरा जो श्रम करने वाला तबका है, मतलब शारीरिक श्रम करने वाला तबका है, उस वर्ग से आता है जिसे कई बार मार्क्सवादी शब्दावली में सर्वहारा कहते हैं। क्रिया का प्रयोग देखिए, हम कहते हैं चपरासी जा रहा है, लेकिन कुलपति के बारे में कहते हैं कुलपति जा रहे हैं। उसी तरह से सर्वनाम का उदाहरण देखिए, वह चपरासी था लेकिन वे कुलपति थे। उसी तरह संज्ञा का उदाहरण देखिए, वह चपरासी का बेटा है, वे कुलपति के बेटे हैं। क्रिया विशेषण का उदाहरण देखिए, चपरासी दौड़ता जा रहा है, कुलपति दौड़ते जा रहे हैं। वर्गीय अंतर को व्याकरणिक नियमों के द्वारा वैधता दी जाती है। जैसे ऊपर के नियमों में एक वचन और बहुवचन के संदर्भ है, ऐसा कहा जाता है कि अब इस पर व्याकरण मौन है कि क्यों कुलपति के बेटे हैं और चपरासी का बेटा है। वो समान नियम की बातचीत करते हैं लेकिन वर्गीय जो भेदभाव है उसकी मौजूदगी हमको नजर आती है। इस तरह से भाषा हमारी सामाजिक जो यात्रा होती है उसका आईना है। इसे हम लोगों ने कई रूपों में समझने की कोशिश की। जैसे बच्चे जो भाषा का प्रयोग करते हैं वे किन विविध रूपों में करते हैं और किस तरह से वो बहुत आराम से सीख जाते हैं कि किस तरह की भाषा का प्रयोग कहाँ करना है। हम लोगों ने यह भी देखा कि जो लिंग का मसला है, जिसे जेंडर का मसला कहते हैं, कि किस तरह से भाषा में जेंडर का भेदभाव व्याप्त है। हमारे मुहावरे में, लोकोक्तियों में यह भेदभाव व्याप्त है। उसी तरह जो हमारे वर्गीय संदर्भ हैं उसमें भी इस तरह के भेदभाव व्याप्त हैं। तब यह बात खूब अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं कि यह जो भाषा का पक्ष है उसके भी अध्ययन होने चाहिए। और इसीलिए अब जो भाषा के अध्ययन हो रहे हैं उसमें केवल व्याकरण की समझ या साहित्यिक समझ ही नहीं, उन समझों को भी समझ का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें भाषा के सामाजिक रूप को समझाया जाए, यानी भेदभाव को, वर्चस्व को, प्रतिरोध को, इस तरह के जो मुद्दे हो सकते हैं उनको भी समझने का प्रयास किया जाए। यानी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि एक बच्चा जो भाषा सीख रहा है आपके पास, हमारे शिक्षकों के पास, ये सभी प्रारंभिक विद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षक हैं, एक तरह से जिनकी जिम्मेवारी भाषा सिखाने की होती है, विशेष करके जो पहली भाषा है, सीखी हुई पहली भाषा, मातृभाषाओं के अलग जो पहली सीखी हुई भाषा है, जिसके बहुत सारे कौशलों में से कुछ कौशल आपके पास हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं। जैसे मातृभाषाओं के साथ सुविधा यह है कि आप दो कौशल लेके आते हैं, बोलना और सुनना, विद्यालयों में लिखना और पढ़ना जानना होता है। लेकिन जो सीखी हुई भाषा होती है तो उसके लिए तो सभी कौशल आपको स्कूल में ही सीखने पड़ते हैं। तो ऐसे में यह जो भाषा का सामाजिक परिदृश्य है या जो इसके सामाजिक आयाम है वो निश्चित तौर पर बच्चों के भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जी, आपने जी, जैसे जेंडर और भाषा की बात की, बहुत सतर्क हो के इस तरह की भाषा रची गई थी
या जो मन आपका था पुरुष प्रधान मन, उसके कारण क्या, और ये दुनिया भर में हो रहा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में और हिंदी के साथ या संस्कृत के साथ हो रहा था, या दुनिया भर की भाषाओं के साथ मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। जी। लेकिन आज लगता है कि सतर्कता इस पर बढ़ी है और हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, विशेष करके जब हम भाषा की कक्षा में हों तो, या भाषा की किसी पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर रहे हों, तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा दृष्टिकोण निश्चित तौर पर जी, अब जी। बदलना चाहिए, हमारा नज़रिया बदलना जी, चाहिए जी। और हमें ऐसे उदाहरणों की ओर ध्यान देना चाहिए, चपरासी का बेटा और कुलपति के बेटे, या और भी कई उदाहरण हैं हमारी पाठ्य पुस्तकों में विशेष करके जो जी। अब भूगोल है, भेदभाव है, किसी भी तरह का भेदभाव है या विशेषताएं हैं, उन सबों का ध्यान रखने से होता यह है कि जो हमारा सार्वजनिक व्यवहार है कक्षा में वह एक संवेदनशील नज़रिए से निर्मित होता है, और यदि ये भेदभाव अनजाने ही, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आपसी बातचीत में जो मुहावरे का प्रयोग करते हैं, कहावतों का प्रयोग करते हैं, उसमें अनेक तरह के भेदभाव दिखाई पड़ते हैं, जी, जी। तो उनके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, या कक्षा में यदि लड़कियां बैठी हों तो उन्हें भी संबोधन का अधिकार प्राप्त है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो सभी तरह के भेदभाव जो भाषा के माध्यम से प्रकट होते हैं उन्हें अधिगम के दरमियान जी 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 खूब अच्छी तरह से बिल्कुल समझना मतलब चाहिए। यह जो चर्चा हम लोगों की है यह मुख्य रूप से इसलिए है कि जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जी, वो भाषा की कक्षा में जाने अनजाने हाँ जिस तरह का, यदि मान लीजिए इस तरह का कुछ उपयोग करते रहे हैं, तो आवश्यकता यह है कि वे जाने और समझें कि भाषा की कक्षा में किस तरह की मतलब अब जरूरत है सावधानी बरतने की जी, या जी, किन मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहने की जी, और ये यह जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके प्रति भी होता जी, है जी, क्योंकि आप कई बार देखेंगे, मेरा अपना अपनी भाषा में मेरा ये अनुभव भी है कि हम संबोधनों से यह पता लगा सकते हैं कि यह गांव के किस टोले की, दक्षिण टोले की, उत्तर टोले की, पूरब या पश्चिम, किस टोले की भाषा है जी। इन भाषाओं में भी यह भेद बहुत साफ साफ दिखाई देता है जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं जिनको हम बरतते हैं, और उनका प्रभाव सीखी हुई भाषा पर रहता है जी। हम चाहे जितना भी मना करें, जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप उस भाषा से जिसे आपने परिवेश से पकड़ा है उससे आप मुक्त नहीं हो सकते जी। वर्चस्व की एक और गूंज हमें दिखाई पड़ती है जी, कि जब हम इस बात की जिद पकड़ लेते हैं कि बच्चे या बच्ची जिस भाषा में अपनी स्मृतियों का विकास किया है या उनके अनुभव जो हैं जिस भाषा में, वह स्कूल की चारदीवारी के भीतर किस रूप में देखी जाए। आप आमतौर पर देखते होंगे कि वह अपनी भाषा जब लेकर आता है तो इस स्कूल में जो पहले से भाषा है, जो मानक भाषा जिसमें कहते हैं, जो पढ़ने लिखने की भाषा है, उस भाषा का एक वर्चस्ववादी रूप उभर कर आता है, और जो बोलियां होती हैं, जो घर से लेकर आई हुई भाषा होती है जिसमें व्याकरणिक नियमों का पालन है, तमाम तरह की बातें हैं, सब कुछ है जी, कुछ है। लेकिन उसके प्रति जो आग्रह होता है हमारे स्कूल के परिसरों में, वह बहुत ही असंवेदनशील होता है। इससे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं उनके मन के टूटने का खतरा रहता है। वह भी वर्चस्व और प्रतिरोध का ही एक उदाहरण है, जो मानकीकृत भाषा बनाम बोली का जो मसला है जी। अच्छा अच्छा भाषा और बोली का भी मसला तो चलता ही रहा है जी। इसे भी भाषा के सामाजिक आयाम के माध्यम से समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की भाषा के सामाजिक आयामों पर, यह जानने की कोशिश की कि भाषा महज बातचीत का साधन भर नहीं है, और न ही भाषा शब्दकोश और व्याकरण का योग है, बल्कि भाषा एक सामाजिक आईना है। भाषा में वर्चस्व और प्रतिरोध की अनुगूंज हम बड़े आराम से सुन सकते हैं, और समाज में भाषा की जो स्थिति है जिसका प्रतिबिंबन हमारे विद्यालयों में होता है उसे भी हमने जाना, और उसे हमने भाषा के भूगोल के संदर्भ में निरंजन सहाय जी के माध्यम से समझने की कोशिश की। दो महत्वपूर्ण बातें जिस पर डॉक्टर सहाय ने अभी आपके साथ चर्चा की, भाषा और जेंडर का मुद्दा जो कई बार जिसकी हम अनदेखी कर देते हैं जी, या जिस पर ध्यान नहीं देते, और भाषा और वर्ग की जो भूमिका है,
आपका बहुत बहुत आभार निरंजन सहाय जी, इतनी बोधगम्य और सहज सरल भाषा में इतनी गंभीर जानकारी देने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।